सेक्स एडिक्शन क्या होता है और सेक्स ज्यादा करना, कितना करना, उससे प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम लेके काफी लोग मेरे पास में आते रहते हैं। तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सेक्स कितना करना चाहिए, सेक्स कितने बार करना चाहिए, फिर सेक्सुअल एडिक्शन होता है क्या, मतलब सेक्स की लत लगती है क्या ऐसे, और फिर एक सेक्स का समय जो है एक बार करते तो वो कितना समय तक चलना चाहिए, ऐसे काफ़ी सवाल लेके लोग हमारे पास में आते रहते हैं। आज मैं बात करूँगा सेक्सुअल एडिक्शन के बारे में, और वो है कि पिछले एक साल में, यदि नीचे मैं अभी 7 अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, वो 7 पॉइंट में से यदि 3 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब वो 3 लक्षण पॉजिटिव है, वो है उपस्थित, वो मौजूद है, तो फिर सेक्सुअल एडिक्शन है ऐसा कहा जाता है या ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें से पहला कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट ये है कि सेक्स करने की अधिकाधिक इच्छा होना और वो बढ़ते जाना, मतलब उतना ही संतोष मिलने के लिए, उतना ही समाधान शांति मिलने के लिए रोज अधिकाधिक, मतलब दिन ब दिन सेक्स करने की इच्छा बढ़ती जाती है ताकि उतना ही समाधान मिले, या जो सेक्स कर रहे हैं वो सेक्स से संतोष कम मिलना, पहले संतोष मिलता था अभी कम मिल रहा है संतोष, तो ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर दो, सेक्स न करने से तकलीफ होती है, मतलब उसका विड्रॉल सिम्टम आता है, उसको लगता है कि नहीं मेरे को तकलीफ हो रही, बेचैन हो गया, रेस्टलेसनेस है और दिमाग काम नहीं करता है, और उसको लगता है कि नहीं मैंने करना ही चाहिए तो नींद नहीं आएंगी, ऐसा उसको विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, और वो तकलीफ नहीं होना चाहिए इसलिए वो सेक्स करते रहता है, और सेक्स करने से वो तकलीफ दूर हो जाती है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, औसत समय से जो एवरेज टाइम लगता है वो टाइम से ज़्यादा समय तक सेक्स करना और ज्यादा बार सेक्स करना, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, सेक्स ज्यादा हो रहा है उसको मालूम है तो सेक्स करना, वो सेक्स करने की इच्छा जो होती है उसको कम करने के लिए या सेक्स कम करने के लिए वो कोशिश करते रहता है बार 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 बार, तो चौथा पॉइंट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि सेक्स, सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्स करना है उसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय बिताना, मतलब वो करना है तो उसके लिए पहले से बहुत तैयारी करना, उसमें टाइम गुताना है ना, उसमें प्री ऑक्यूपाइड रहना, उसकी तैयारी करना, ऐसा उसमें बहुत समय गुताएगा वो, या फिर सेक्स होने के बाद में वो इफेक्ट से बाहर आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो ये हो गया पाँचवा पॉइंट। छठवा पॉइंट ये है कि समाज में या उसके रोज के व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में या उसके मनोरंजन के समय में ये सेक्स बिहेवियर की वजह से बाधा आती है और उसमें डिफिकल्टी आती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल, सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है उसमें बाधा आती है और इसके वजह से, सेक्स बिहेवियर की वजह से बाधा आती है और उसमें प्रॉब्लम आते जाता है, तो ये हो गया छठवां पॉइंट। सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स करने से मानसिक तथा शारीरिक बीमारियाँ हो सकती है या उसमें प्रॉब्लम आता है, ये उसको मालूम है, और उसके मालूम होने के बावजूद भी वो सेक्सुअल बिहेवियर, ज़्यादा सेक्सुअल बिहेवियर कंटिन्यू करते रहता है, तो उसको मालूम है कि साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल और बॉडीली प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं, ज़्यादा सेक्स करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिफिकल्टी आ रही, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, अटेंशन नहीं है, तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये बावजूद, ये होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू करते रहता है। अब ये जो लोग हैं ना, इसमें बाकी मानसिक बीमारी नहीं होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल एडिक्शन ऐसी बीमारी डायग्नोज करने के लिए बाकी मानसिक दूसरी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मैनिया यदि बीमारी है, मैनिया या हर्षवा युवा उन्माद जो बोलते हैं ना, मैनिक डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर, उसमें हाइपरसेक्सुअलिटी होती है तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ लेडीज निम्फोमैनिक होते रहते हैं, उसको निम्फोमैनिया बोलते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ज़्यादा मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते रहते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स उनको रहते हैं और वो बाहरी मतलब ज़्यादा उनका दिमाग रहता है और वो बहुत ही वो मतलब उसमें लगे रहते हैं, तो वो जब लेडीज़ में होता है तो निम्फोमैनिक भी हो सकता है वो। और तीसरा ये ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑब्सेसिव है, बार 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 वही विचार आ रहा है और इसकी वजह से वो कर रहा है, उसको मज़ा भी नहीं आ रहा तभी भी,
तो ये ऐसे बाकी मानसिक कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, और वो ना होते हुए सिर्फ सेक्सुअल एडिक्शन है। तो ये मैंने जो अभी 7 पॉइंट बताए, ये 7 में से 3 पिछले एक साल में ये दिखते हैं, दिखाई देते सेक्सुअल एडिक्शन है। अभी इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज जो है वो है काउंसिलिंग, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, और कुछ मेडिसिन भी हम देते हैं जिसके वजह से वो जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो कम हो जाता है। एक तो उसमें वो एंटी ऑब्सेसिव दवाई भी कुछ पेशेंट्स में काम करती रहती है, फिर कार्बामेथाइपिन दवाई जो है वो कुछ लोगों में काम करती है, तो ऐसी कोई दवाई है, फ्लॉक्सिटिन भी काम करती है। तो ये दवाई हम जब देते हैं तो इसमें लोगों को फ़ायदा हो सकता है, और काउंसलिंग से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता ही है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम है और लोग परेशान हैं इससे, लोग बाहर बोलते भी नहीं है। तो आप यदि वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों का भला होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, और लोग ये बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।